हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में कंप्यूटर एप्लीकेशन सीबीएसई बोर्ड, और चैप्टर नंबर 2 है और कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 3। ओके, तो आज पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और ये फाइनल पार्ट है, और मैं 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। तो लेट्स गो टू अवर क्लासेस। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है? द कंप्यूटर मेमोरी हैज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है, नंबर 1 इंटरनल मेमोरी और नंबर 2 एक्सटर्नल मेमोरी। अब कहा है कि मेमोरी टाइप्स दिया हुआ है कि इंटरनल मेमोरी में कौन कौन सी आ जाती हैं। इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें आती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी में आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके आगे हम स्टडी करते हैं रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसकी डेफिनेशन है, या फिर इसको समझाएं कि रैम इज द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में रैम का मुख्य भाग होता है, मुख्य कार्य होता है। रैम इज वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्प्रेरी मेमोरी। वेन एवर द पावर इज स्विच ऑफ एनीथिंग एंड एवरी थिंग स्टोर इन रैम वैनिश्ड। मतलब जैसे कंप्यूटर की पावर चली जाती है या कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो रैम में जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी कॉल रैम टेम्प्रेरी मेमोरी। यही रीजन है कि इसको हम टेम्प्रेरी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वाइल बाइंग अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं, द कैपेसिटी इट्स रैम इज इम्पोर्टेंट टू बी कैप्ट इन माइंड। तो हम देखते हैं, आप कंप्यूटर परचेज कर लीजिए, मोबाइल परचेज कर लीजिए, उन दोनों में देखी जाती है कि आपकी इसमें मेमोरी कितनी है। नाउ अडेज पर्सनल कंप्यूटर अप टू 16 GB रैम आर अवेलेबल। आजकल कंप्यूटर में लगभग 16 GB रैम अवेलेबल है। ओके, होप सो समझ में आया होगा, नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना, और समझ में आया हो तो अभी एक अच्छा सा कमेंट कर देना। डिफरेंट टाइप ऑफ रैम आर, रैम के अलग अलग प्रकार हैं। नंबर 1 स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है कि इट इज अ टाइप ऑफ रैम इन विच डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्या होता है, इसकी पावर बंद हो जाती है, तो इसका नेचर है कि उसको डेटा को रिमूव कर देता है। अब डायनामिक रैम, इट इज अ टाइप ऑफ रैम विच मेमोरी इज रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। इसका डायनामिक रैम क्या करती है, काम करते हो आप तो ऑटोमेटिक इसकी मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है। रैम ऐसी होती है, आप फिगर में हर एक चीज को मैंने फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाया है। अब रीड ओनली मेमोरी, तो चलते हैं नेक्स्ट और पढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, रोम इज अ मेमोरी हुज कंटेंट, विच कंटेंट, हुज नहीं है, विच कंटेंट आएगा, विच कंटेंट्स कैन ओनली बी रीड, जिसके कंटेंट्स केवल हम पढ़ सकते हैं, विच कंटेंट आने वाला है जगह। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, दैट मीन इट परमानेंट मेमोरी, इसका मतलब है कि परमानेंट मेमोरी होती है। व्हेन कंप्यूटर आस मैन्युफैक्चर, जब कंप्यूटर बनाए जाते हैं, सम इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन इट, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भर दी जाती है, विच कैन बी डिलीट एनी टाइम, जो किसी भी टाइम डिलीट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट है इस जगह, एक जगह मिस्टेक और है, विच कैन नॉट बी डिलीट एनी टाइम, जिसको हम किसी भी टाइम डिलीट नहीं कर सकते। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें बायोज होता है, तो बायोज रीड ओनली मेमोरी ही होता है कि उसमें बायोज में कुछ इंफॉर्मेशन रख दी जाती है, भर दी जाती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ रोम, तो पी रोम, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दिस टाइप ऑफ रोम चिप कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर। इसमें क्या, यूजर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं बाई यूजिंग द स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा। वंस इट हैज बीन प्रोग्राम, जब इसको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, इट कैन नॉट बी अल्टर फर्दर, मतलब इसको अल्टर फर्दर मतलब है, अल्टर का मतलब कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। पर ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज एंड जी प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को बार बार इरेज कर सकते हैं और बार बार भर सकते हैं यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग इज डन आइदर बाई यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा होता है। यूपी रोम अल्ट्रा वायलेट पी रोम बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ई ए पी रोम इलेक्ट्रिसिटी अल्टरेबल पी रोम। ओके, नेक्स्ट है ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी रीप्रोग्राम्ड विद द स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेज, मतलब इसको इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रिक कारों के द्वारा इसको दोबारा से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये देख सकते हो आपके सामने, ये रोम होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आई होप को क्लियर हो गया होगा। कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी को क्या होता है,
कैचे मेमोरी स्पेशल मेमोरी यूज टू स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब आपके काम करने कंप्यूटर की स्पीड नहीं, सिर्फ आपके काम करने की स्पीड को ये बढ़ाता है। और ये क्या सीपीयू एंड मेन मेमोरी, मतलब जो कोऑर्डिनेशन बनता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाता है। और सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैचे मेमोरी होती है, ना रैम होता है ना रोम होता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अब मेमोरी के प्रकार दे दिए गए हैं। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। कहा गया है कि इसमें मेमोरी यूनिट अमाउंट डाटा है, जब भी कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो ये एक इसमें यूनिट दी गई है, जो पहली यूनिट है बाइट। ओके, सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट्स। द फॉलोइंग लिस्ट सम हायर स्टोरेज यूनिट, कुछ दिए है मैंने, जैसे के बी होता है, तो के बी 1024 बाइट्स में 1 KB होता है, 1024 KB में 1 MB होता है, 1024 MB में 1 GB होता है, 1024 GB में 1 TB होता है, और 1024 TB में 1 PB होता है। पीबी मतलब पेटावाइट और टीबी मतलब टेरा बाइट। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिनमें डेटा अलग से स्टोर किया जा सकता है, जो सीपीयू से टच नहीं रहती है। सिंस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड एंड प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी कहा है कि ये मेमोरी एक लिमिटेशन होती है और डेटा इसमें परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। सो वी यूज वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके लिए हमें कुछ सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस की जरूरत पड़ी। इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी द ह्यूज बट द रिट्रीवल टाइम्स द इज मोर देन द दैट ऑफ प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज का डाटा इससे ज़्यादा होता है और ज़्यादा रिट्रीव टाइम भी, रिट्रीव टाइम मतलब ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे तो हम ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मेन मेमोरी होती है उसमें टाइम इतना नहीं लगता है। सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज आर एक्सप्लेन बिलो। कुछ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? दीज आर द जनरली मेड ऑफ द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, की प्लास्टिक की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क आर राउंड एंड कोटेड विद द मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल। ये किसकी बनी होती है? मैग्नेटिक डिस्क आर राउंड, ये गोल होती है एंड कोटेड, और इसको कोट किया जाता है एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल से। ईच डिस्क हैज अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, है ना, जो भी सर्कल्स होते हैं हमारे, उसको ट्रैक्स कहते हैं। द ट्रैक्स ऑन द डिस्क सरफेस आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और इनको ट्रैक्स को ही सेक्टर कहा जाता है। हार्ड ड्राइव खराब होती है तो उनके सेक्टर प्रॉब्लम करते हैं, तब हार्ड ड्राइव हमारी खराब होती है। जनरली देयर आर 8 सेक्टर्स पर ट्रैक, और लगभग एक ट्रैक में 8 सेक्टर होते हैं, एंड ईच सेक्टर कैन होल्ड अप टू 512, मतलब 512 बाइट्स को ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क होता है सिंगल डिस्क, कम्स इन वेरियस साइज एंड 5.5 कह सकते हैं इसको, और इंचेस, एंड ये 3/2 होता है, 3.5 इंचेस। इसका साइज क्या होता है? 5.5 इंच का या फिर 3.5 इंच का होता है। फ्लॉपी डिस्क कैन बी स्टोर्ड 1.44 MB, और इसमें केवल डाटा आता है 1.44 MB। मतलब पहले जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें केवल 1-2 MB के समथिंग डाटा आता था, जो आज के वक्त में कुछ नहीं है। 2 MB का तो हमारा एक गाना होता है, और आजकल फोटो भी अगर अपना एंड्रॉयड फोन में लेते हैं तो उसका भी 8 MB का होता है। सो दिस इज नॉट यूजेबल एट दिस टाइम। द फ्लॉपी डिस्क अपीयर द स्क्वायर इन शेप बट दैट इज एक्चुअली द शेप ऑफ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक जैकेट इन साइड द विच द डिस्केट इनक्लोज। कहा गया है कि फ्लॉपी डिस्क स्केयर मतलब गोला टाइप शेप होती है, और इस शेप में क्या प्रोटेक्टिव प्लास्टिक जैकेट, मतलब एक प्लास्टिक जैकेट लगी होती है, बिच द डिस्केट इनक्लोज, जो क्या होती है डिस्केट से इनक्लोज होती है। अब फ्लॉपी डिस्क इज यूज टू स्टोर एज वेल एज रिट्रीव डेटा। डाटा को एक जगह से, रिट्रीव का मतलब होता है कि डाटा को बार बार हम एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, और डाटा को रिट्रीव करने में इसका यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क आप देख सकते हो, मैंने उसका डायग्राम दिया है, फिगर दिया है, फ्लॉपी डिस्क। ओके, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बात एक ही है, और मैं हार्ड डिस्क की बात करता हूँ। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की हेडिंग गलत आ गई है, यहाँ पे हार्ड डिस्क बात करूंगा मैं।
हार्ड डिस्क, जिसको हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ यूनिट ऑफन कॉल अ डिस्क ड्राइव। ये क्या होता है, हार्ड डिस्क भी एक यूनिट का पार्ट होता है, अक्सर इसे डिस्क ड्राइव कहते हैं। हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, HDD, दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस ऑफ द सेट ऑफ द सरफेस। मतलब कहा है कि इसमें आप हाई स्टोरेज, यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, और ये किस किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल है। कुल मिला के इसको कहिए कि ये इलेक्ट्रिकल ही है इसमें। ओके, तो टुडे कंप्यूटर टिपिकल कम्स विद अ हार्ड डिस्क देन कैन कंटेन एनीवेयर फ्रॉम बिलियन टू ट्रिलियन ऑफ बाइट्स ऑफ स्टोरेज। मतलब आज के वक्त में हम हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क आती है उसमें बिलियन टू ट्रिलियन डेटा को हम भर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में डिफरेंस दिया गया है। तो फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल एंड पोर्टेबल, मतलब ये रिमूव होती है और पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। रिमेन्स फिक्स्ड, हार्ड डिस्क फिक्स होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। लेस स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज 1.44 MB, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है, और ये मच हायर स्टोरेज, 80 GB टू 300 GB नहीं कह सकते, 80 GB से लेके ये कम से कम 2 TB और बहुत ज्यादा स्टोरेज में हो सकता है। ओके, आपके बुक में दिया हुआ था, स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस इज स्लो, मतलब इसमें डेटा की स्पीड स्लो होती है। मच द फास्टर डेटा एक्सेस एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क, इसमें डाटा तेज चलता है किसके अपेक्षा, फ्लॉपी डिस्क के अपेक्षा। नंबर 4 है कम प्रोटेक्ट विद द प्लास्टिक जैकेट एंड कैन बी इजिली डैमेज। ये क्या होता है, प्लास्टिक से बनी होती है और आसानी से डैमेज हो सकती है, लेकिन ये क्या होता है, सील्ड एंड मेटल जैकेट एंड रिमेन्स इनसाइड द कंप्यूटर। ये क्या, मेटल से बनी होती है और जिसे मेटल लगा होता है कैन नॉट बी इजिली डैमेज, इसको आसानी से डैमेज नहीं किया सकता है। सीडी, सीडी आपने देखी होगी ज्यादातर, बहुत देखी होगी सीडी वीडी। तो ये क्या होता है, ऑन ए रिकॉर्डेबल सीडी आर, सीडी आर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, द डेटा रिकॉर्ड इट यूजिंग अ लेजर बीम, मतलब लेजर बीम के थ्रू इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, विच चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाई एंड प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है चेंज करते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्निंग, मतलब डेटा को स्टोर किया जाता है इसमें, तो उसको प्रोसेस, उस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। सीडी रोम्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB, सीडी 700 MB में अवेलेबल है, 900 MB में भी अवेलेबल है, और इसका साइज और भी, स्टोरेज साइज और भी है। सीडी रोम्स आर रीड यूजिंग सीडी रोम ड्राइव, सीडी चलाने के लिए सीडी रोम ड्राइव चाहिए। मतलब जैसे आप पहले सीडी चलाते थे कंप्यूटर में, एक सीडी रोम ड्राइव होती है, जब तक आपके कंप्यूटर में होगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगी सीडी, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव लगाने के लिए USB चाहिए, उसे सीडी लगाने के लिए आपको सीडी राइटर चाहिए। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल लाइक डिस्क, ये भी सीडी की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डाटा डाटा ज्यादा स्टोर होता है। तो डीवीडी आर मेनली यूज टू स्टोर वीडियो एंड डेटा, इसको इसका यूज वीडियो और डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। डीवीडी लुक्स एक्सट्रैक्ट एज सीडी बट देयर स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन 6 टाइम एज कम्पेयर टू सीडीज, मतलब ये सीडी की तरह होती है लेकिन इसमें 6 गुना, ओके, 6 गुना ज्यादा डाटा इसमें आ सकता है। सीडी यूज 700, ओके, सीडी यूज 780 nm वेवलेंथ लेजर डायोड, इसमें क्या होता है कि 780 nm डायोड लाइट, वेयर डीवीडी 650 वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द डीवीडीज इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी, डीवीडी स्टोरिंग डेटा ऑन बोथ सरफेस हैज ए कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 8 GB पर साइड पर डिस्क। तो कहा है कि इसमें 8 GB डाटा होता है, नॉर्मली इसका डाटा होता है 1.7 GB, ओके, और इसका अप टू 50 GB, 25 GB तक इसको हम कर सकते, मतलब हमें डीवीडी में मिल जाता है। ये सीडी है और ये डीवीडी है, मतलब एक जैसे ही दिखने वाले हैं ये। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क क्या होता है, इट इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम हैविंग द सेम डायमेंशन एज डीवीडी बट इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB, मतलब ब्लू रे डिस्क डीवीडी की तरह होती है और लगभग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB होती है। एज अ ब्लू लेजर बीम अ वेवलेंथ 450 nm, मतलब इसकी जो
स्टोरेज, यानी इसको नापा जाता है ब्लू लेजर बीम वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 40 nm होती है, इज यूज टू रीड द डिस्क दिस दस द डिस्क गेट द नेम इज ब्लू रे डिस्क। मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है और इसके वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, तो इसका नाम ब्लू रे डिस्क कहा गया है। सिंगल लेयर ब्लू डिस्क कैन बी 25 GB, सिंगल लेयर की होती है तो उसमें 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, और डुअल लेयर्स की होती है तो उसमें 50 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव आपने देखी होगी, पेन ड्राइव समझाने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है और ये एक्सटर्नल डिवाइस होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि डाटा को स्टोर कर सकते हो, और इसको यूएसबी भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसका ये 2 GB से लेके लगभग अब तो 512 GB में भी मिल जाती है। ओके, और इसको लगाने के लिए कंप्यूटर में पोर्ट होते हैं। ओके ना, ये आपने देखी होगी पेन ड्राइव, आई थिंक सो कितनी समझाने की मुझे इसमें जरूरत नहीं है आपको। मेमोरी कार्ड भी आपने देखा होगा, आपके फोन में मेमोरी कार्ड लगा होता है, तो ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, सीडी को सॉरी हम पेन ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जनरली सीन इन सेलफोन्स, नॉर्मली इसको सेलफोन में देखा जाता है एंड कैमराज में इसको लगाया जाता है, और एक पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा इन ऑल्सो ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर इफ रिक्वायर्ड, मतलब डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर रिक्वायर्ड। मेमोरी कार्ड्स आर डिफरेंट कैपेसिटी अप टू 132 GB, कहा मेमोरी कार्ड 32 GB का हो सकता है, लेकिन यहाँ 132 ये पुरानी थ्योरी है, 126 GB का भी है, सॉरी 156 GB का भी है। कुछ खास बातें दी गई हैं। अब मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताया गया है। मेमोरी रैम इज वॉलेटाइल, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है एंड कंटेंट विल बी वाइप्ड एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, और कंटेंट इसके रिमूव हो जाते हैं जैसे हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इसका डेटा नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू, ये सीपू के थ्रू चलती है, इसमें सीपू में लगी होती है, और ये इनडायरेक्ट एक्सेस बाई सीपू, मतलब ये सीपू के बाहर एक्सटर्नल होती है। इट इज ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और इट हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन बी यूज बाई स्टोरेज मैनी गीगाबाइट्स, मतलब इसकी बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे इसने जीबी दिया है, लेकिन मैं पीबी की बात करूंगा, पेटाबाइट भी कर सकता हूँ। अ सिंगल ऑप्टिकल डिस्क कैन होल्ड द डेटा हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मतलब एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस में लगभग 100 बुक्स आ सकती हैं, लेकिन 100 नहीं लाखों भी आ सकती हैं। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये ज्यादा खर्चीली होती है, इट इज मच चीपर देन द मेन स्टोरेज, मैं कहूंगा कि ये एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव होती ही है। ओके, जैसे हार्ड डिस्क ले लो, ये दोनों कंडीशन में आ जाती है, कम में भी आती है और ज्यादा में भी आ जाती है। ओके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर एंड इट इज फिक्स इन द फॉर्म ऑफ द चिप, सो इट इज नॉट पोर्टेबल, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर, ये मेन कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, सो इट इज पोर्टेबल पॉकेट साइज एंड कैन बी मूव अराउंड इजिली, और इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। आप इसको अपने पेन ड्राइव के थ्रू या फिर हार्ड डिस्क के थ्रू समझ सकते हो कि आसानी से इसको ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल होता है। लास्ट चलता है क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा विद अ थर्ड पार्टी सर्विस। देखिए क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, आप अपना फोन यूज करते हो उसमें स्टोरेज होता है कि गूगल ड्राइव पे डालना है डाटा, गूगल ड्राइव पे डालना है, तो ये थर्ड पार्टी होता है, इसके लिए हमें ईमेल आईडी बनानी पड़ती है और हम इजीली 25 GB तक का डाटा उसमें डाल सकते हैं, और इससे ज्यादा चाहिए तो हमें पेड करना पड़ता है। ओके, तो ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है, इट कैन बी कॉल्ड होस्टेड स्टोरेज, इसको हम होस्टेड स्टोरेज कह सकते हैं, इंटरनेट स्टोरेज कह सकते हैं और ऑनलाइन स्टोरेज भी कह सकते हैं। इन द रिसेंटली ईयर्स द नंबर्स ऑफ द वेंडर्स ऑफ ऑफरिंग ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फॉर बोथ कस्टमर एंड बिजनेस इज इंक्रीज द ड्रामेटिकली, मतलब कहते हैं कि उन्होंने एक कस्टमर को एक अच्छी फैसिलिटी दी है, लेकिन एक ड्रामा टाइप का भी है कि यार ये क्या ड्रामा है दे रखा है। लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा है कि आप कहीं भी बैठ के अपनी गूगल आईडी या जीमेल आईडी या कोई भी आईडी से लॉग इन करके अपने डेटा को कहीं भी निकाल सकते हो। वी कैन स्टोर एनी टाइप फाइल, और हम किसी टाइप की फाइल को स्टोर कर सकते हैं, और कुछ पॉपुलर ड्राइव स्टोरेज डिवाइसेज जैसी हैं हमारी ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, और ऑन ड्राइव भी है, ऑन ड्राइव नहीं वन ड्राइव भी है। ओके, तो होप सो कि ये चैप्टर
क्लियर हो गया और कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, और यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब और कमेंट तो ध्यान से करना ही करना। ओके थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।